हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकाज कुकबुक। आज हम बनाएंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम हमेशा अपनी रेसिपीज में बताते हैं कि एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लीजिए या दो चम्मच लीजिए, लेकिन व्यूवर्स कंफ्यूज रहते हैं कि एक चम्मच या दो चम्मच पेस्ट जो हम लेंगे उसमें कितनी मात्रा में अदरक होगा और कितना लहसुन होगा। तो मैं आज आपको पेस्ट बता रही हूँ जो हम बना के फ्रिज में रख सकते हैं और हफ्ते भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोपोर्शन भी बताऊंगी कि कितना अदरक और कितना लहसुन लिया जाए पेस्ट में। तो आइए बनाते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे 3 फॉल्स लहसुन और लगभग 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, और इनको अच्छे से छील के और लहसुन की सारी कलियां अलग कर लेंगे और अदरक को भी अच्छे से थोड़े से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लहसुन और अदरक हमने छील के और काट के रख लिया है। लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए लहसुन ज्यादा मात्रा में लेते हैं और अदरक थोड़ा कम मात्रा में लेते हैं, क्योंकि हमें लहसुन का फ्लेवर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है। अदरक वैसे ही बहुत तेज फ्लेवर में होता है और थोड़ा तीखापन भी होता है इसमें, तो इसलिए अदरक और लहसुन के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हमेशा लहसुन थोड़ा ज्यादा होता है लहसुन अदरक की पेस्ट में और अदरक थोड़ा कम होता है। अब हम इन दोनों चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बनाएंगे। हमने लहसुन और अदरक को जार में डाल लिया है और अब इसका स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें लगभग 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, जिससे आराम से ये पिस जाए। जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट पिस कर तैयार है, हम इसे निकाल लेते हैं। हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट बनके तैयार है और इसे अब आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, इस तरह के एयर टाइट जार में भर के फ्रिज में रखिए और हफ्ते भर तक काम में लीजिए। और आप अपनी जरूरत के मुताबिक ये मात्रा ले सकते हैं। आप अगर लहसुन, आपके मील प्लान के हिसाब से आपको अगर लहसुन अदरक का पेस्ट ज्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से बना के रखें, नहीं तो इतना बनाएं कि आपका 3-4 दिन आराम से चल जाए। आप इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखिए और अपने किचन वर्क को थोड़ा इजी बनाइए।